हेलो, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज सुबह से गोविंद और मैं शेडिंग सीख रहे थे कलर्स की। सबसे पहले हमने ये वाला बनाया। मैंने उसको बताया कि ऐसे रेड ऑरेंज येलो करना है, तो किया उसने खुद से। और उसके बाद सेकेंड हमने ये बनाया। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, बच्चों के साथ ऐसा कुछ फन करना। एक्चुअली कल ना मैंने अपने किचन में से ये दो स्पैचुलास निकाले थे, ख़राब हो गए थे, तो मुझे लगा इसे मैं अपने DIY प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इस पर हमने पेंट किया था, आज इस पर हम वर्ली आर्ट बनाएंगे। मेरी किचन में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसे पेंटिंग्स वगैरह से डेकोरेट नहीं किया हुआ, एल्स तो घर डेकोरेटेड है। तो मुझे लगा ये ख़राब हो रहे हैं, इनको DIY प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। Story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. मैंने अपने टेक्निकल स्टाफ को बुलाया है इन दोनों को लगाने के लिए। ये देखो, और ये दोनों मैंने अपनी किचन की इस वाली वॉल पे लगा दिए। ये पतली सी वॉल है, इस पे कुछ ऐसे डेकोर लगा नहीं सकते थे, तो मुझे लगा ये एकदम परफेक्ट लगेगा इसको यहाँ लगा के। मुझे काफी अच्छा लग रहा है अपनी किचन में कलर्स ऐड करके। पहले मैंने सिंपल सॉलिड प्लेन कलर्स के बनाए थे ये दोनों स्पैचुला कल रात को, बट आज अंशुल ने मुझे बोला कि इसमें ना थोड़ा शेडिंग कर लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और सिंपल वर्ली आर्ट बनाई है, और ये बनाना बहुत ईजी है, सिंपल शेप्स बेस्ड ये आर्ट है। बहुत अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल लुक देता है घर को। ये देखो, इस पे मैंने ये ट्री बनाया है और इसमें घर बनाया है। और इसकी फोटोज मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगी, तो वहाँ पे ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। और कोई पूछ रहा था मैं कौन से कलर्स यूज़ करती हूँ, ये एप्पल बेरल के कलर्स है मेरे पास, एक्रेलिक कलर्स। ये ईजिली वॉलमार्ट पे मिल जाते हैं, और मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया भी था। ये मैजिक फ्लाई ने भी मुझे कुछ कलर्स सेंड किए हैं, ये भी इजीली अमेजोन पे अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छे कलर्स हैं मैजिक फ्लाई के भी, बट आज जो मुझे कलर्स यूज़ करने थे ना, वो मेरे पास एप्पल बेरल के थे, तो मैंने सोचा पहले जो ये छोटी वाली बॉटल्स हैं इनको फिनिश करते हैं, उसके बाद नए कलर स्टार्ट करेंगे। ये वाले कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे जितना भी मेस मैंने बनाया है उसको समेटते हैं, उसके बाद किचन में कुकिंग भी स्टार्ट करनी है। और ये मेरा ब्रश सेट है, 25 ब्रशेज आई थी इसके अंदर, ये भी मैंने वॉलमार्ट से लिया था। इसमें ना डिफरेंट शेप्स एंड साइज की ब्रशेज हैं, तो सारे आर्ट फॉर्म्स आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। ये फोम ब्रशेज भी इसमें ही आई थी। और ये जो गोविंद की पेंटिंग्स है ना, मैं कभी भी थ्रो नहीं करती इनको, मैं संभाल संभाल के रख लेती हूँ अपनी मेमोरी बुक में। वैसे मैं सोच रही हूँ इन दोनों शीट से मैं उसके ना ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाऊंगी, किसी किसी को सेंड करने के काम आ जाएंगे ये। अगर आपको पता है कहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है बच्चों को आर्ट सिखाने के लिए, तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करना। या अगर कोई YouTube चैनल आपको पता है जो बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे टॉडलर्स को, बच्चों को आर्ट सिखाते हैं, तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करना, बिकॉज मुझे मन है कि मैं गोविंद को कुछ कुछ सिखाऊं। उसको ना आर्ट में, कलरिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। वैसे होता है ना कि इनिशियल डेज में पेरेंट्स हर चीज से बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद बच्चे खुद से अपनी एक कोई हॉबी पकड़ते हैं। तो इस बार तो मेरा बहुत मन था कि मैं उसको स्विमिंग वगैरह भी सिखाऊंगी, बट वो सब तो नहीं हो सकता। बट हाँ, आर्ट तो अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर कुछ YouTube से मैं सिखा सकती हूँ तो जरूर मेरे को बताना यार। मैंने शायद पहले भी पूछा था, बट अगर कुछ पता है तो बताना। एक प्रॉपर कहीं से गाइडेंस मिल जाए, एक लेसन मिल जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप कर लेगा इस चीज़ में। आज ना कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, तो मैंने सोचा जो भंडारे वाले आलू नहीं होते उसकी सब्जी बनाते हैं, बड़ी सिंपल होती है। मैंने 3 टमेटोस, थोड़ा सा पीस जिंजर का और 2 ग्रीन चिलीज का प्योरे कर लिया है, और सारे जो खड़े मसाले होते हैं ना, अपना धनिया, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सौंफ, उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया है। बस ये स्पाइस ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी एंड दैट्स इट। और मस्टर्ड ऑयल में ये सब्जी बनती है, तभी इसका अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। सुबह ब्राउन राइस भी सोक करके रखा था, सोचा था कि पुलाव बनाऊंगी, बट आई गेस मैं अपना प्लान थोड़ा सा डिले कर रही हूँ, ये शाम को बन जाएगा। अभी रोटी और भंडारे वाले आलू की सब्जी खाएंगे हम। मस्टर्ड ऑयल में हींग जीरा ऐड करा है, और अब मैं टमाटो प्योरी ऐड कर रही हूँ। और टमाटर बहुत स्प्लटर कर रहा है, इसको तुरंत ढक देते हैं, अदरवाइज पूरी गैस पे टमाटर ही टमाटर हो जाएगा। टमाटो प्योरी कुक हो चुकी है, इसके अंदर मैं ये मसाला ऐड कर रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करूँ, और इसके अंदर बॉइल्ड पोटैटो ऐड करूँगी हाथ से मैश करके।
हमारी भंडारे वाली सब्जी रेडी हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी और ऐड करूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। और ये है मेरा लंच। मैं लंच में सिर्फ एक रोटी लेती हूँ, थोड़ी सी जो भी सब्जी बनती है वो लेती हूँ, और एक बड़ा बाउल सैलेड का लेती हूँ। तो आज मेरे पास क्यूकम्बर है। शाम को उठते ही फाउंटेन के पास आके बैठना बड़ा अच्छा लगता है, वो सूदिंग सी पानी की आवाज़ गिरती हुई ना बड़ी अच्छी लगती है। इस वीकेंड हमने इसको पूरा क्लीन अप किया था, क्योंकि जब से अंदर आया था ना फर्स्ट टाइम, उसके बाद क्लीन अप ही नहीं हुआ था। मुझे लगा एक बार मैं इसका सारा पानी ड्रेन करके ड्राई करके फिर से अंदर लेकर आऊँगी। तो आज ही सुबह मैंने इसे वापस से असेंबल किया है, कल बाहर रखा था इसको पूरा ड्राई ड्राई होने के लिए। और आजकल हमारा इवनिंग रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी मैं ओट्स बनाने के लिए रख के आई हूँ। हम लोग अभी शाम को पहले दूध या ओट्स ले लेते हैं, उसके बाद रात को डिनर करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना हम लोग जल्दी चले जा रहे हैं थोड़ा बाहर खेलने। मैं आपको लास्ट वीक बोल रही थी ना कि मुझे हेडेक का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है लास्ट 2-3 वीक्स से। अभी मुझे 5-6 दिन से टच वुड बेटर फील हो रहा है। एक तो मैंने अपने रूटीन में ना आफ्टरनून स्लीप ऐड किया है, 1/2-1.5 घंटा मैं सो जाती हूँ। अगर मुझे नींद नहीं भी आ रही तो बस सोफ़ा पे ऐसे आईज क्लोज करके कुछ सूदिंग सा म्यूज़िक लगा के बस लेटी रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ काम नहीं करती उस टाइम पे। अदरवाइज़ होता क्या था यार, शाम तक ना इतनी ज़्यादा बॉडी टायर्ड हो जाती थी कि रात में थकने के बाद ना जल्दी से नींद भी नहीं आती थी। बट हाँ, उससे मुझे इफेक्ट पड़ा है, और मुझे लगता है सर्वाइकल का पेन था, हाफ हेड से स्टार्ट होके ना नेक तक जा रहा था। तो मैंने अभी पिलो लगाना बंद कर दिया है, तो उससे भी मुझे अच्छा इफेक्ट दिख रहा है, मुझे हेडेक नहीं हुआ है 5-6 दिन से। दो मेरी नींद थोड़ी सी रात में डिस्टर्ब रहती है क्योंकि मुझे पिलो की आदत है, बट हाँ आप नहीं लगा सकते। और कोई मेरा लेसिक ऑपरेशन का एक्सपीरियंस भी पूछ रहा था, तो यार मैंने लेसिक कराया था 2015 में, हमारे एक फैमिली डॉक्टर है आई का, दिल्ली बेस्ड है वो डॉक्टर। मेरा एक्सपीरियंस बहुत नॉर्मल सा रिलैक्स्ड वाला था, कुछ ऐसा मैंने कुछ हाई फाई टाइप्स नहीं किया था। बस डॉक्टर को दिखाया 15-20 डेज पहले, और वो मेरे एक्चुअली रेगुलर डॉक्टर भी थे, तो वो मेरे को चेक करते रहते थे। हर 3-4 महीने में मैं जाती थी उनके पास अपना आई टेस्ट कराने, क्योंकि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा था। तो जब मेरा नंबर स्टेबल हो गया था ना, तब उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी 15 डेज तक, वो मैंने डाली आई ड्रॉप। उसके बाद उन्होंने, जैसे मेरा ऑपरेशन था 15-20 मिनट्स में दोनों आईज का हो गया था, और नेक्स्ट डे ही मैं डॉक्टर के पास गई, आई वॉज ऑल नॉर्मल। उन्होंने बोला था बस 15 डेज ऑफ द स्क्रीन रहना जितना हो सके, बाकी और नॉर्मल। और हाँ, अगर आपका नंबर ज़्यादा होता है तो चांसेस होते हैं लेसिक के बाद नंबर वापस आने के, जैसे मेरा नंबर बहुत ज़्यादा था। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि फ्यूचर में थोड़ा कम ही स्क्रीन देखना। तो अभी मेरा टीवी तो ऑलमोस्ट छूट ही गया है, बहुत कम टीवी मैं देखती हूँ कभी, वीकेंड पे ऐसे बैठ के मूवी वूवी देखी तो, और वैसे भी दूर से देखती हूँ। बट हाँ, जब एडिटिंग वगैरह करते हो तो थोड़ा लैपटॉप को देखना रहता है, थोड़ा फ़ोन भी हाथ में रहता ही है, तो वही है, वही मेरा स्क्रीन टाइम रहता है। बट कोशिश करती हूँ जितना कम हो। हाँ, लास्ट टाइम जो डॉक्टर को दिखाया था तो उसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा नंबर था, उसका मेरा चश्मा रेडी हो गया है आज, वो भी जाना है पिक करने, तो अभी इवनिंग में जाएंगे। किस बाय द मून ये रिटर्न नहीं करनी अभी, ओके। इनसे पूछ के रिटर्न करनी पड़ती है इनकी बुक्स। कुछ कुछ जो बुक्स आती है ना, उनमें से इसकी कुछ फेवरेट हो जाती है, वो इसको लगता है कि वो मैं रख लूँ, उसके नेक्स्ट टाइम रिटर्न करना। और यहाँ की लाइब्रेरी का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे ना अगर किसी ने बुक इशू नहीं कराई या होल्ड पे नहीं डाली, उनके पास एक और कॉपी नहीं है, तब तक वो आपको रीइशू करते रहते हैं, ऑनलाइन खुद ही रीइशू हो जाती हैं बुक्स। चलिए जी, बाहर का वेदर इन्जॉय करते हुए आज आपको लाइब्रेरी टूर भी कराती हूँ। अब हम दूसरी वाली लाइब्रेरी जाते हैं, वो काफ़ी बड़ी है जिसमें हम पहले जाते थे उससे। अगर आपको पहले वाली लाइब्रेरी देखनी है तो मेरे विंटर वाले ब्लॉग्स देखना, उसमें आपको दिखेगा, उसमें वहाँ पे स्टोरी टाइम भी होता था, तो मैं गोविंद को लिख के जाती थी। बट अब हम दूसरी वाली में जाते हैं, वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आपको छोटा सा टूर कराऊंगी उस लाइब्रेरी का। मैं ही जा रही हूँ खाली अंदर, क्योंकि खाली मुझे ही चश्मा पिक करना, वो साइजिंग वगैरह भी करते हैं ना, अगर लूज वगैरह हो तो आप ठीक करा सकते हो तुरंत। कैसा लग रहा है मेरा चश्मा बताना? मैंने थोड़ा स्टडी टाइप बनवाया है, क्योंकि गोविंद कहीं ऐसे तोड़ फोड़ ना दे। वैसे मुझे बहुत पहनना नहीं है, बट अंशुल बोल रहे हैं पहन के रखना है जिससे नंबर ना बढ़े। बच्चों की बुक्स का वो वाला सेक्शन है पूरा, वहाँ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ना पूल है बुक्स का, ये देखो कितनी सारी बुक्स हैं।
आइल्स बाय आइल्स, पीछे ये पूरा बच्चों के बुक्स का सेक्शन है, यहाँ पे भी ये सारी बुक्स हैं और बहुत अच्छे से सेग्रीगेशन किया हुआ है बुक्स का, लाइक सेलिब्रेशन की बुक्स एक जगह पे हैं, प्लेसेस, हिस्ट्री, ग्रोइंग अप और एनिमल्स की ये पूरा सेक्शन है बुक्स का, ये पूरा सेक्शन है फेवरेट कैरेक्टर्स एंड फेवरेट ऑथर्स का, यहाँ पे स्टोरी बुक्स हैं जो थोड़ी बड़ी स्टोरीज होती हैं, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए वो सारी बुक्स यहाँ पे मिल जाती हैं, और छोटे बच्चों के लिए हार्ड कवर बुक्स जो होती है ना, जैसे पॉटी ट्रेनिंग बुक्स और स्कूल गोइंग बुक्स, वो सारी इस वाले सेक्शन में मिल जाती है। बहुत सारी बुक्स हैं ये देखो, और ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बच्चे फ्री प्ले करते थे, आके आराम से स्टोरी बुक्स बैठ के रीड करते थे, प्ले करते थे, बट अभी ये सारा सेक्शन सील्ड है बिकॉज अभी बच्चे आ नहीं सकते हैं ऐसे खेलने मिलने यहाँ पे। ये देखो कितना सुंदर सा इन्होंने सब बना रखा है, और हर जगह वाइप्स और सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ है आपकी सेफ्टी के लिए। और हाँ, पीछे ही पार्क भी है, आप आउटडोर भी प्ले करा सकते हो, जब बच्चों को लाइब्रेरी लेके आओ तो थोड़ा आउटडोर प्ले करा लो, थोड़ा इंडोर प्ले करा लो, थोड़ा रीडिंग करा लो, तो बच्चों का ओवरऑल टाइम बहुत अच्छा पास होता है। यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है इन केस अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक फाइंड कर रहे हैं, तो आपको ये सब आयल नंबर एंड सब बता देगा कि कहाँ पे आपको वो स्पेसिफिक बुक मिलेगी, और सिंस अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आप फिंगर्स से उसको प्रेस करेंगे, माउस यूज़ करेंगे, तो साथ में ही सैनिटाइजर भी लगा रखे। अच्छा हाँ, मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाना भूल गई, यहाँ पे बच्चों के लिए CDs एंड DVDs वगैरह भी अवेलेबल है, मूवीज़, कार्टून्स और स्टोरी टाइम की, तो आप वो भी इशू करा सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में। मैंने ये कुछ बुक्स लिए इस बार, बस अब मेन डेस्क पे जाके इसको इशू कराते हैं। यहाँ पे ये टचलेस स्क्रीन लगी हुई है, आपको कुछ भी टच नहीं करना, सेल्फ चेकआउट काउंटर है, आप आके अपना चेकआउट कराइए बुक्स और ले जाइए बस। गोविंद को अपना फ्रेंड भी मिल गया खेलने के लिए। थोड़े दिनों की ये ब्यूटीफुल इवनिंग वॉक बाकी है दोस्तों, देख लो उसके बाद तो यहाँ पे सब बर्फ बर्फ हो जाएगी और हम घर के अंदर बंद हो जाएंगे। डिनर इज ऑलरेडी, आज मेरा राइस ना थोड़ा ज्यादा कुक हो गया मुझसे, बट पुलाव टेस्टी बना है। और ये टाइम ना मेरे दिन का बेस्ट टाइम होता है, जब मैं आराम से सोफा पे बैठ के अपनी अजवाइन टी पीती हूँ और अपनी मम्मी से बात करती हूँ। यार सुबह ना हबड़ तबड़ भी मम्मी से ठीक से बात नहीं हो पाती, इस टाइम पे आराम से जब अंशुल भी फ्री होते हैं तो वो गोविंद को थोड़ा देख लेते हैं और मैं आराम से अपनी मम्मी से गप्पे मारती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम लड़कियां ना अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं शादी के बाद। मैं हॉस्टल में भी रही हूँ पहले, कभी ऐसा नहीं होता था कि मम्मी को फ़ोन करके गप्पे मार रहे। हाँ बात होती थी सुबह शाम, पर जब से यहाँ आई हूँ ना, जब तक मम्मी से बात ना हो जाए ठीक से ना नींद आएगी, और एक दिमाग में बात चलती रहती है, यार मम्मी से बात नहीं हुई, यार मम्मी से बात नहीं हुई। एक तो मेरी लाइफ में मम्मी है जिनसे बात किए बिना मैं नहीं रह सकती, और एक मेरी फ्रेंड है अदिति, जिसको आपने इंडिया व्लॉग्स में देखा था, काफ़ी लोग आप जानते हो जो मुझे पहले से फॉलो करते हो, तो वो भी मेरी एक काइंड ऑफ रियल बहन नहीं है, मतलब कह सकते हो कि सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर है, बट हाँ वो उससे बात मेरी होनी चाहिए, अदरवाइज मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे प्रॉपरली नींद नहीं आती। तो ये दो लोग हैं जिनसे बात कर ली तो मुझे लगता है पूरी दुनिया से बात हो गई। एनीवेज ये डेकोर बताना आपको कैसा लगा। और पता है मेरे पास ना एक ये चॉपिंग बोर्ड भी है, ये एक्चुअली आपने देखा था ना, मैंने अभी अमेजोन से मंगाया था, ये इसका जो ये वुड है ना ये बहुत ही ख़राब है, पता नहीं क्यों इस पर ना फंगस आ जाता है, मैं इसको वॉश करके रखती हूँ, कई बार मैं इस पर ऑलिव ऑयल लगा चुकी हूँ, मैं अपने दूसरे वाले पे भी लगाती हूँ ऑलिव ऑयल, बट स्टिल इसमें ना फंगस आ जाता है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी DIY कर लूँ यार, लेकिन अभी ख़रीदा था ना तो मन नहीं कर रहा कि अभी इसको DIY में यूज़ कर लूँ। वैसे ये देखो यहाँ से ना ये क्रैक होना भी शुरू हो गया है, तो मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा और क्रैक हो जाए, फिर मैं इसे DIY में यूज़ कर लूँगी। अगर फंगस का कोई आपके पास टिप है तो बता देना। तो चलो दोस्तों, इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, होप करती हूँ आपने इन्जॉय किया होगा, और अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना बिकॉज वहाँ पे बहुत क्विक अपडेट्स मिलते हैं, ये डेकोर वगैरह की फोटोज़ मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पोस्ट कर दी है, तो वहाँ पे फॉलो कर लेना। फिर से मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना और बस हंसते रहो, क्योंकि हंसते हंसते कट जाएंगे ये रास्ते। बाय। Tied to your love in a doubt, beautiful woman.